क्रिस्टल कार्स दिल्ली, आज हम आपको दिखाते हैं कार हेडलाइट के अंदर नॉर्मल बल्ब और एलईडी लाइट का डिफरेंस, इसको लगाना कैसे लगाते हैं और लगाने के बाद इसमें क्या डिफरेंस आता है आपके नॉर्मल बल्ब की लाइट में और एक एलईडी लाइट के अंदर कितना डिफरेंस होता है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा, तो देखते रहिए। ये i10 ओल्ड मॉडल है और इसके अंदर नॉर्मल बल्ब लगे हुए हैं, बल्कि 55-60 की जगह इस गाड़ी के अंदर 90-100 वोट के बल्ब लगे हुए हैं। थोड़ा सा हैवी किया गया है इनको ऑलरेडी, ताकि रोशनी कुछ अच्छी हो जाए। और ये देखिए, ये इसकी कुछ रोशनी आपको जो दिखाई देती है, कुछ येलो इस कलर यानी कि पीला पीला सा देखने के अंदर आपको ये दिखाई देगी जब आप इसको सामने से देखते हो, तो मतलब रोशनी अगर एलईडी से कंपेयर करें तो थोड़ी सी पीली होती है। और ये एलईडी लाइट है जो अभी हम इस गाड़ी के अंदर लगाने वाले हैं, और एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब ये थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन लगाने का प्रोसेस सेम है, जैसा कि बल्ब लगाते हैं वैसा ही आप एलईडी को लगा सकते हैं। कुछ इसके अंदर लगाने में अलग नहीं है, बल्कि कपलर अलग से निकाला गया है। ये देखिए, ये कपलर इसके अंदर ऐसे ही बल्ब के पीछे निकला होता है, इसके अंदर वायर देके इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया गया है। बस उसकी रोशनी येलो होती है, कुछ येलो टाइप, और इसकी रोशनी बिल्कुल प्योर वाइट मिलेगी आपको। कुछ SID तरह का तामझाम नहीं होता है, बहुत सिंपल होती है LED लाइट। और आगे जो आपका इसमें पीला हिस्सा ये दिख रहा है लाइट के अंदर, ये इसकी LED हैं जो जलती हैं। ये LED लगाने से पहले गाड़ी i10, ये कुछ पीले कलर जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है लाइट का, और ये कुछ इस तरीके से नज़र आती है। ये सामने से आपको कुछ ऐसी पीली रोशनी, अब यहाँ पे लाइट जल रही है, और ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है LED लाइट। अब आप डिफरेंस खुद देख पा रहे होंगे कि पहले जो येलो इस कलर दिखाई दे रहा था आपको, अब वो थोड़ा सा वाइट हो गया है, प्योर वाइट आपको ये कलर कुछ इस तरीके से फिर दिखने लग जाता है। और आपकी रोशनी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, कुछ इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि पहले के कलर में और अब के कलर के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देने लग जाता है। ओवरऑल काफ़ी डिफरेंस हो जाता है एक नॉर्मल बल्ब के अंदर और एक LED बल्ब के अंदर।